हाय, तैयार है हम फिर एक बार, क्योंकि आज है शुक्रवार है। मैं हूं आपका दोस्त अजय, लेकर आ गया हूं आपके लिए कंप्यूटर सीरीज का एक और नया सा वीडियो। आज का वीडियो पता है किस टॉपिक पर आधारित है? गेस व्हाट। चलिए कुछ क्वेश्चन पहले मैं आपसे करता हूं, शायद आपको आपका जो है आज का टॉपिक पता चल जाए। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने जब कंप्यूटर सीखना चालू किया था तो आपने किस स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया था? जॉस, एनवीडीए या फिर साफा रीडर टाइप, यू नो। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने जॉस से जो है वो कंप्यूटर की जो शुरुआत की थी सीखने की, है ना। तो जिस किसी सज्जन के पास कुछ कहने के लिए होता ही नहीं है कमेंट बॉक्स में, तो ये जरूर बताए एटलीस्ट कमेंट करके कि आप क्या यूज़ करते थे, जॉस, एनवीडीए या फिर साफा रीडर टाइप, या इसके बाद आप आज क्या यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये जानने में भी बड़ा जो है वो इंटरेस्ट है। इसके बाद आपके क्वेश्चंस काफ़ी कम हो गए हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि अभी क्वेश्चन है ही नहीं, कोई बात नहीं है, है ना। आपके जो अभी तक के वीडियोस में जितने भी है हमारे नई सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उस पर जो है कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। जिन किसी क्वेश्चंस को एक ही क्यू एन ए की वीडियो में जो है वो डेडिकेटेड रूप से उन क्वेश्चंस को लिया जा सकता है, हम उस पर अलग से हार्ड वर्क कर रहे हैं। और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनको एक क्यू एन ए की वीडियो में 5-10 सेकेंड या 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या मिनट भर में नहीं समझाया जा सकता, उनके लिए डेडिकेटेड वीडियोस तैयार होने की तैयारी में है, है ना। तो आप लोग प्रतीक्षा करें और बिल्कुल भी आप लोग नाराज़ ना हो कि आपके वीडियोस, आपके सुझाए गए वीडियोस नहीं लाए जा रहे, है ना। शीघ्र ही बारी बारी से ही सही हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेकर आने का। और बेसिक यूज़र्स के लिए जो हम स्पेशली इन बातों का ध्यान रख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके बेसिक यूज़र्स के हिसाब से वीडियोस लाए जाए, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो वो एडवांस यूज़र्स के हिसाब से लाए जाए। बहरहाल आज का टॉपिक मैं बता दूँ आपको, जॉज की कुछ यू नो कुछ यूनिक कंट्रोल्स, जैसे आपको वॉल्यूम्स कैसे कम ज़्यादा करने हैं, है ना। जॉस का वॉल्यूम अगर आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, जॉस के साथ सिस्टम का वॉल्यूम कम करना है, ज़्यादा करना है, स्पीच रेट कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। हिटमैन हिमांशु जी तैयार है, लेकिन इससे पहले फिर से एक छोटा सा संदेश आपके लिए कि भाई अबाउट पेज में गूगल फॉर्म जो है वो रखा हुआ है, उसमें जाइए। अगर आप पहले से व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं है तो, और यहाँ पर जो है केवल अपना मोबाइल नंबर ही लिखना है लिखने के नाम पे, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है या दोनों में जुड़ना है, इसके विकल्प है आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको किसी ग्रुप में जुड़ना भी नहीं है, केवल अपने सजेशन देने, तो भी वहाँ पर जो गूगल फॉर्म है वो आपके काम आ सकता है। तो ज़रूर से हमारी सेवाओं का लाभ लें। फीमेल्स के लिए अलग से डेडिकेटेड ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है। मैं अजय सालवे लिए चलता हूँ आपको हिमांशु जी के पास। थैंक यू। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। हेलो एवरीवन, अगेन मैं हूं हिमांशु, बेसिक कंप्यूटर सीरीज में एक और न्यू वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम कुछ अलग चीज टॉपिक पे आने वाले हैं, जो कि ये जॉज, वैसे आप जान चुके होंगे क्या जानने वाले हैं, चलिए अगेन एक बार फिर से शॉर्ट में जान लेते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले वॉल्यूम एंड स्पीच रेट दोनों को ही देखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर हम नॉर्मली नोटिफिकेशन टैबलेट से जाके चेंज करते हैं, जिससे कि हमारा सिस्टम वॉल्यूम एंड जॉज दोनों का ही वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। एनवीडीए के अंदर तो सिंपल सा ऑप्शन अवेलेबल है, बट जॉज के अंदर भी एक सिंपल सा ऑप्शन अवेलेबल है जिसका काफ़ी ज़्यादा कम लोग यूज़ करते हैं। और वहाँ से आप केवल जॉज का वॉल्यूम ही नहीं, सिस्टम के वॉल्यूम को भी आप सेपरेट वहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर पाएंगे।
इसके अलावा स्पीच रेट को इंक्रीज डिक्रीज करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कई लोगों को, तो इस चीज़ को भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्पीच रेट भी यहाँ पर दो तरीके के अवेलेबल हैं, कौन कौन से हैं, कैसे आपको इन दोनों ही चीज़ों को करना है, चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं वीडियो देखें। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए सबसे पहले चलेंगे यहाँ पर अपने जॉज में वॉल्यूम इंक्रीज करने वाले तरीके की ओर। यहाँ पर हम नॉर्मली क्या करते हैं, विंडोज बी प्रेस करेंगे, विंडोज बी टू एप्स डाउन एरो 99% रेडमी 6 प्रो रेड नाइट रेड स्पीकर्स 100% बटन स्पीकर 100% एंटर करते हैं, स्पीकर्स हाइड देन यहाँ से डाउन एरो 91% तो यहाँ पर ये काफी बड़ा प्रोसेस है 100% विंडोज डी। तो यहाँ पर जो सबसे सिंपल सा प्रोसेस जो कि जॉस हमें खुद ही प्रोवाइड करता है, और ये जो कमांड है आपको आगे जस्ट अभी बताने जा रहा हूँ, ये कमांड केवल और केवल जॉस में ही वर्क करता है। अगर आप एनवीडीए में इस कमांड को यूज करना चाहें तो ये कमांड वर्क नहीं करने वाला, ये केवल जॉस के यूजर्स के लिए ही है। तो यहाँ पर सिंपली जॉस में आपको प्रेस करना है इंसर्ट प्लस स्पेस, इंसर्ट के साथ में स्पेस बार, ये मैंने इंसर्ट को होल्ड किया, स्पेस एक साउंड आया होगा अभी आपके पास, अगेन अगेन मैं प्रेस करता हूँ, आपके पास इस वक्त एक साउंड सुनाई दिया होगा जस्ट अभी आपको, जैसे कि इसने अनाउंस किया स्पेस, देन इसके साथ ही एक साउंड आया। इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पर जो मेरा एक तरह से मेन्यू है जो कि इनविजिबल यहाँ पर होता है, आपके स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं होता, यहाँ पर मेरा स्क्रीन इस वक्त ब्लैंक दिख रहा होगा, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ओपन हो जाता है। सिंपली यहाँ पर हमें प्रेस करना है वी, हमें वॉल्यूम में जाना है तो सिंपली वी प्रेस करना है, वी फॉर वॉल्यूम, वी वॉल्यूम इसने अनाउंस किया वॉल्यूम, यहाँ पर ये कुछ भी अनाउंस नहीं करेगा, यहाँ पर मैं आपको जैसे बता जा रहा हूँ आपको यहाँ पर सिंपली वही प्रोसेस फॉलो करना है। हमने यहाँ पर वी प्रेस कर दिया, मैं वॉल्यूम में के अंदर आ गया, यहाँ पर हमें प्रेस करना है जे, जे फॉर जॉस, मैं यहाँ पर पहले जे मतलब तो जॉस का वॉल्यूम इंक्रीज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे जे पे क्लिक करूंगा, ये मैंने प्रेस किया जे, जे जॉस, इसने अनाउंस किया जॉस। अभी यहाँ पर हमें कुछ भी प्रेस नहीं करना कोई सा भी एक्स्ट्रा की, यहाँ पर केवल हमें प्रेस करना है अप एरो और डाउन एरो, मैं डाउन एरो करता हूँ 98% ये जो अनाउंस कर रहा है ये यहाँ पर हमारा वॉल्यूम अनाउंस कर रहा है, डाउन एरो आप यहाँ पे सुन सकते हैं जो वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ पर जो वॉल्यूम है इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, सिंपली केवल हम यहाँ पर इंसर्ट स्पेस मैंने किया वी प्रेस किया देन जे पे जैसे हम गए यहाँ पर अप एरो डाउन एरो करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज है, लेफ्ट राइट करके 96% लेफ्ट एंड राइट एरो से भी यहाँ पर आप वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप जैसे किसी और एक्स्ट्रा की को प्रेस करेंगे, एग्जांपल टैब स्टार्ट बटन टू ओपन प्रेस, यहाँ पे मैं बाहर आ चुका हूँ वहां से, अभी अप एरो प्रेस करेंगे कुछ भी नहीं यहाँ पे होने वाला, विंडोज डी ओके। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा जॉस का वॉल्यूम, बट अगर मैं सिस्टम वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, नोटिफिकेशन चैप्टर में जाना, इसके लिए भी सेम प्रोसेस, इंसर्ट स्पेस, स्पेस यहाँ पे वी प्रेस करेंगे, वी वॉल्यूम, यहाँ पर एस प्रेस करेंगे, एस फॉर सिस्टम, एस सिस्टम, सिस्टम पे अप एरो प्रेस करेंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। इस जगह से बाहर आने के लिए आप सिंपली एस्केप की का यूज कर सकते हैं, एस्केप की का यूज करके आप सिंपली यहाँ से बाहर आ सकते हैं, या फिर अगर आप अपने एप्लीकेशन टैब को चेंज करते हैं मीन्स ऑल टैब के थ्रू अगर आप एप्लीकेशन में स्विच करते हैं यहाँ पर, तो फिर उस केस में भी यहाँ पर आपका जो ये मेन्यू है यहाँ से गायब हो जाता है। डाउन एरो करेंगे 99% 99 डाउन एरो 97 ये 53% यहाँ पे पहुंच चुका है 99.101% ओके। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये 100% हो चुका है यहाँ पर। और जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब भी मैं अपने सिस्टम वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था, तो उस वक्त यहाँ पर मेरे जॉज के वॉल्यूम में कोई सा भी फर्क नहीं आ रहा था। सिंपली अगर यहाँ से बैक आना है जैसे कि मैं आपको बताया, स्केप कर देंगे, मैं यहाँ पर जब जहाँ पे मेरा फोकस पहले था ठीक वहीं हो जाएगा, जैसे कि मेरा फोकस यहाँ पे जूम पे था तो जूम पे मेरा फोकस अगेन आ जाएगा। सिंपली इंसर्ट स्पेस करना है एंड देन वी प्रेस करने के बाद सिस्टम के लिए एस प्रेस करना है, जॉज के लिए जे प्रेस करना है, यहाँ पर आप और अगर कुछ भी चीज प्रेस करेंगे तो आपका कमांड रॉन्ग होगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे स्पीच रेट को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि स्पीच रेट दो तरीके के यहाँ पे अवेलेबल है, अभी दो तरीके का कोई अलग स्पीच रेट अवेलेबल नहीं, यहाँ पर एक है टेम्पररी और एक है परमानेंट। टेम्पररी का ये मतलब है कि जैसे इस वक्त मैं अपना डेस्कटॉप पर हूँ, तो अगर मैं टेम्पररी स्पीच रेट को डिक्रीज करता हूँ तो ये मेरे केवल डेस्कटॉप के लिए ही इस वक्त के लिए होगा, जैसे ही मैं एक एप्लीकेशन में स्विच कर जाऊंगा, फिर मैं किसी एप्लीकेशन को ओपन कर दूंगा, किसी अलग विंडो पे मैं जैसे स्विच करूंगा तो वैसे मेरा स्पीच रेट है वो नॉर्मल हो जाएगा। अगेन हम जैसे डेस्कटॉप पे आएंगे तो हमारा वही नॉर्मल जैसे पहले था उसी स्पीच रेट में रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ओपन कर लेता हूँ अपना कोई सा भी एक एप्लीकेशन, मैंने दिस पीसी को ओपन किया, फाइल एक्सप्लोर, आइटम्स व्यू लिस्ट बॉक्स टू मूव, यहाँ पर सिंपली डिवाइस, यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा
कंट्रोल ऑल्ट एंड देन पेज डाउन और पेज अप। यहाँ पर पेज अप से आपका जो स्पीच रेट है वो फास्टर होगा, मीन्स इंक्रीज होगा, पेज डाउन से आपका जो स्पीच रेट है वो डिक्रीज होगा। ये टेम्पररी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने प्रेस किया कंट्रोल, ये मैंने प्रेस किया ऑल्ट और देन पेज डाउन। अब मैं प्रेस करता हूँ पेज अप, ये यहाँ पे हो गया, इतना मेरा स्पीच रेट काफी फास्ट है यहाँ। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली विंडोज प्लस डी प्रेस करता हूँ डेस्कटॉप पे आने के लिए। Folder view list view this piece. आपने देखा है मैंने कोई सा भी एक्स्ट्रा की प्रेस नहीं किया, ऑटोमेटिकली जो इसने स्पीच रेट है वो कम कर लिया। अगेन चलेंगे दिस पीसी में। This PC to move to another meeting. Windows D. अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ मेरा स्पीच रेट है वो सेम है। अभी परमानेंट को देखते हैं, ये परमानेंट हमें यहाँ पर किस तरह से अपने स्पीच रेट को leaving menu, meeting controls, Windows D. इंक्रीज और डिक्रीज करना। Search. चलते हैं यहाँ पर अगेन डेस्कटॉप पर। Windows D, leaving. ओके, तो यहाँ पर PC, हमें एक की एक्स्ट्रा प्रेस करना है जो कि है विंडोज की। यहाँ पर अभी हमें तीनों कीज को ही प्रेस करना है, विंडोज ऑल्ट एंड कंट्रोल। मैंने प्रेस किया ऑल्ट कंट्रोल विंडोज पेज डाउन स्लोअर फास्टर, ये स्पीड चेट में जो इंक्रीज हो रहा है। पेज डाउन करेंगे यहाँ पर जो स्पीच रेट है वो परमानेंटली इंक्रीज एंड डिक्रीज हो, जैसे कि मैं 2020 इतना स्पीच रेट रखा हूँ। चलते हैं अभी दिस पीसी के अंदर। Meeting control, leaving menus, this PC to move to an item, press the arrow key, Windows D, folder view, this PC to move, Windows D, यहाँ पे मैंने दो तीन बार दिस पीसी को ओपन किया, क्लोज किया, यहाँ पे एक मीटिंग का कंट्रोल भी आया हुआ था, तो यहाँ पर ये सभी चीजें ओपेंड है, बट फिर भी यहाँ पर ये जो स्पीच रेट है वो डिक्रीज या फिर इंक्रीज जैसा मैंने पहले था वैसे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर कंट्रोल विंडोज एंड ऑल्ट तीनों ही कीज पर आपका जो फिंगर वो प्रेस होना चाहिए, देन आपको पेज अप एंड पेज डाउन को प्रेस करना है। इस तरह से हम जो स्पीच रेट परमानेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्पीच रेट एंड वॉल्यूम ये दोनों ही फीचर्स अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए। ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल के अबाउट सेक्शन से, फीमेल भी चाहे तो ग्रुप्स को वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं।